हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल गाइड चैनल और आज मैं आप सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन टू का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में और अदर यूनिवर्सिटी में भी। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हम आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रायल साइकिल मेथड से आप इजिली न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। अगर इससे पहले वाले अगर आप ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ ट्रायल साइकिल मेथड, तो वो वीडियो जरूर देख ले जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वो अगर आप देख लेते हैं तो ये वीडियो बहुत ही बहुत आसान हो जाएगा आप सबको बुझने के लिए। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है तो देख सकते हैं क्या कह रहा है। द 15 मिनट ट्रैफिक काउंट ऑन अ ग्रॉस रोड 1 एंड 2 ड्यूरिंग पीक आवर्स आर ऑब्जर्व एट 128 एंड 142 व्हीकल पर लेन रिस्पेक्टिवली। तो 15 मिनट्स आपको एक एज्यूम करके ट्रैफिक, उसी के आधार पर रोड 1 में कितना ट्रैफिक जा रहा है, रोड 2 में कितना जा रहा है, वो आपको दिया हुआ है। तो N1 अर्थात रोड 1 के लिए N1 मान लेते हैं। तो N1 बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रैफिक व्हीकल कितना जा रहा है, तो देख सकते हैं 128 बोल रहा है। तो N1 बराबर क्या लिखेंगे, 128 गिवेन गिवेन डाटा N1 बराबर 128। और N2 रोड 2 के लिए, N2 अर्थात N का अर्थ हो गया नंबर ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ अर्थात व्हीकल कितना जा रहा है पर आवर में, तो आपको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, इंटरसेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ हैवियर फ्लो इफ द एम्बर टाइम्स रिक्वायर्ड आर 3 एंड 2। एम्बर टाइम्स भी आपको दे दिया है इसमें। अगर एम्बर टाइम नहीं दिया होगा उस वक्त क्या करना है, तो उसके लिए आपको एज्यूम करना है। तो एज्यूम कैसे कैसे करना है वो तो मैंने आपको डिजाइन क्राइटेरिया में बता दिया हूँ। आपको नंबर ऑफ स्पीड के अर्थात नंबर ऑफ व्हीकल के आधार पर एज्यूम करना है, पर इसमें आपको एम्बर टाइम दे दिया है तो इसमें आपको कोई एज्यूम नहीं करना है। तो रोड 1 के लिए A1 बराबर 3 हो गया और A2 बराबर 2 हो गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, फोर और टू लोड्स बेस्ड ऑन द अप्रोचिंग स्पीड द डिजाइन सिग्नल टाइम। डिजाइन सिग्नल टाइम आपको एज्यूम बनाने के लिए कर रहा है कौन सा मेथड से, ट्रायल साइकिल मेथड से। उसके बाद एज्यूम एन एवरेज टाइम हेडवे, एवरेज टाइम हेडवे आपको 2.5 एज्यूम करने के लिए बोल रहा है। अगर हेडवे टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको जब भी क्या करना है, 2.5 सेकेंड एज्यूम करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी टाइप का और भी वीडियो देखना चाहते हैं कौन सा कैसे क्राइटेरिया होता है और कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। वरना नहीं है वहाँ पर वीडियो तो कमेंट करें, मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो क्या किया है, हेडवे आपको 2.5 एज्यूम किए, अगर नहीं दिया होता तो एज्यूम करते, यहाँ पर तो दे दिया हुआ है तो फेज डायग्राम बनाएंगे भी, कहा है तो, यहाँ पर तो नहीं कहा है तो फेज डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो क्या है, चलते हैं सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गिवन डाटा यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ट्रायल 1 क्या करना है, ट्रायल 1 में अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक ही है, नहीं मिला तो ट्रायल 2 करना है, उस पर भी नहीं मिला तो ट्रायल 3 करना है, ट्रायल 3 तक करना है, उसके बाद जो आंसर आया वही आंसर लिख कर छोड़ देना है आपको। क्योंकि एग्जाम में आप 10 बार 12 बार करने लगेंगे तो आपको टाइम वेस्टेज हो जाएगा। सो जस्ट 3 ट्रायल में ही करना है। तो पहले ट्रायल कैसे करना है, सी बराबर 50 मानना है, 50 से ही जनरली हम शुरू कर दें न्यूमेरिकल सब, तो 50 से करेंगे ट्रायल साइकिल अर्थात एज्यूम ट्रायल साइकिल भी लिख सकते हैं, वरना आप एज्यूम टोटल साइकिल लेंथ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको जैसे लैंग्वेज लिखना है वो लिखिएगा। तो हम कैसे लिखे, एज्यूम ट्रायल साइकिल सी बराबर क्या होगा, 50 सेकेंड मैंने। उसके बाद फोर अ ग्रीन टाइम, ग्रीन टाइम कितना अब देर बढ़ना है रोड 1 में, उसके लिए फॉर्मूला है G1 बराबर 2.5 × NC1/900। ये आपको फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। N1 का गिवन ही डाटा है 128, तो 128 हो जाएगा 2.5 × 128। उसके बाद C का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 50 हमने माने हैं तो 50 कर दिए, तो डिवाइडेड बाय 900, तो कितना आ गया, 24.72 पर सेकेंड, अर्थात सेकेंड सिर्फ G1 बराबर इतना आ गया रोड 1 के लिए। G1 का अर्थ हो गया ग्रीन लाइट टाइम, तो ग्रीन लाइट कितना देर रोड 1 में बालना है वो हो गया आपको G1। तो ग्रीन लाइट का टाइम आ गया G1 बराबर क्या आ गया, 24 सेकेंड आ गया। उसके बाद सिमिलरली
रोड टू लिखकर जी टू बराबर क्या करेंगे, 2.5 इंटू यन टू सी, यन सी का यन इंटू सी फॉर्मूला होता है, तो रोड टू है तो इसलिए यहाँ यन टू लिख दिया है। रोड थ्री के लिए करेंगे तो यन थ्री कर देंगे। तो आपको ऐसे करना है, तो 2.5 इंटू यन टू सी बाई 900, तो क्या करेंगे करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.44। उसके बाद देख सकते हो दोनों निकाल दिया आप, जी वन और जी टू, और गिवेन एम्बर है, इवन एम्बर तो गिवेन ही है, तो वो दोनों लिख दीजिए, वरना नहीं होता है एम्बर, तो एम्बर यहाँ पर निकालते हैं हम, अर्थात एज्यूम करते हैं। एम्बर यहाँ पर दे दिया है, एम्बर ए वन और ए टू, तो उसके बाद टोटल साइकिल लेंथ, टोटल साइकिल लेंथ अर्थात यहाँ बीच में सी लिखने के लिए बिसर गया, टोटल साइकिल लेंथ सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप सबको मालूम ही होगा। बोलिए बोलिए, डिजाइन क्राइटेरिया में मैंने तो बताया था आप सबको, तो क्या होता है, जी वन प्लस जी टू प्लस ए वन एम्बर टाइम प्लस एम्बर टाइम ए टू, अर्थात एम्बर का अर्थ क्या होता है वो भी मैंने डिजाइन क्राइटेरिया में बताया हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा वीडियो सब। तो ऐसे चारों का ऐड किए तो क्या आ गया, 49.4, अर्थात ये तो 50 के नियरली अबाउट आ रहा है, पर 50 तो इक्वल नहीं ना आया ना, एग्जैक्ट 50 तो नहीं आया, तो आपको ये आंसर यही नहीं हुआ सी का वैल्यू, वरना ये सही हो जाता, इतना तक ही करके हम छोड़ देते, तो आंसर तो नहीं मिला, इसीलिए क्या करेंगे हम ट्रायल टू करेंगे। और ट्रायल टू में यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है, घट के ही आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिर सी का वैल्यू घटाएंगे, तो एज्यूम ट्रायल साइकिल सी टू बराबर क्या करेंगे, 45। अब घटा कर एज्यूम किए तो दोनों घट कर ही आएगा, मिल जाएगा, तो ग्रीन रोड फोर रोड वन के लिए अब ग्रीन लाइट निकालेंगे, तो जी वन बराबर 2.5 इंटू एन वन सी बाई 900, तो क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 22.25 आ गया। उसके बाद ग्रीन रोड अर्थात ग्रीन लाइट टाइम फॉर रोड टू के लिए निकाले तो क्या आ गया, बोलिए 17.75 आ गया। उसके बाद एम्बर टाइम तो गिवेन नहीं है, उसके बाद तो दोनों का जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कौन कौन सा जोड़ेंगे, टोटल साइकिल लेंथ अर्थात बोलिए बोलिए फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था जी वन प्लस जी टू प्लस क्या होगा, ए वन प्लस ए टू, जोड़े तो क्या हो गया, देख सकते हैं एग्जैक्टली 45 आ गया। तो देख सकते हैं जो ऊपर था 45 जो हमने एज्यूम किया था, यहाँ पर देख सकते हैं एज्यूम 45, वही नीचे भी आ गया 45, तो दोनों मिल गया, एग्जैक्ट हो गया, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, सही है। इतना पर करके टोटल साइकिल लेंथ बराबर 45 आंसर लिख दीजिएगा, वरना आप फेस डायग्राम भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर तो मैंने नहीं बनाया है तो, पर मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ बनाकर, अगर एग्जाम में आप बना देते हैं फेस डायग्राम तो बहुत ही इजी हो जाता है और आपको फुल मार्क देने का चांसेज रहता है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। तो कैसे बनाना है, तो पहले ऐसे एक रिक्टेंगल बना देना है, ऐसे देख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रोड आर ए डी इज द रोड वन, ये रोड वन के लिए हो गया, इसी के नीचे आपको एग्जैक्टली बनाना है, ऐसे ऐसे बना देना है, तो ऐसे ऐसे बना देंगे, और इसको क्या लिखेंगे रोड टू, रोड वन और रोड टू हो गया। और उसके बाद पहले यहाँ पर देखते हैं क्या है, हमने निकाले हैं ग्रीन टाइम, तो ग्रीन टाइम रोड वन के लिए निकाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी वन, उसके बाद यहाँ पर देख सकते क्या है एम्बर टाइम ए वन निकाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं रोड वन में अगर ग्रीन लाइट आएगा उसके बाद एम्बर टाइम का लाइट आएगा, तो दोनों बराबर कितना हो जाएगा रोड टू का, इसी का डॉट डॉट ऐसे देकर ऐसे देख सकते, जब ग्रीन और एम्बर टाइम लाइट बल रहा होगा रोड वन पर, तो रोड टू पर क्या होगा रेड होगा, तब ना रोड टू से आदमी नहीं जाएगा, अगर दोनों तरफ से आदमी जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर से आदमी जाने आने के लिए बोल रहा है, तो इधर का आदमी का रुकने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर रेड लिख दीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे रेड टू लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर रेड वाले, यहाँ पर रेड आर ई डी रेड, और यहाँ पर भी आप सिर्फ रेड भी लिख सकते हैं रेड, तो यहाँ पर रेड बल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा जी टू होगा और यहाँ पर ए टू होगा, इतना लिख देंगे, तो यही हो गया आपको फेज डायग्राम। और यहाँ पर जीवन का वैल्यू निकाले है तो जीवन का वैल्यू लिख दीजिए,
कितना आ रहा है 22.25, उसके बाद यहाँ पर A1 3 आ रहा है, और G2 निकाले हैं, G2 का भी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ साइड पर, और यहाँ A2 का भी वैल्यू 2 लिख दीजिए, तो इतना कर देंगे तो आपको ये आपको फेज डायग्राम भी हो गया है। सो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं आप सबसे। अभी तक वीडियो देख देने के लिए थैंक यू।